अधिकार है खेती संबंधी कानून करने का। पहले तो मैं बोलना भूल गई, इन्होंने तो फेडरल स्ट्रक्चर को धक्का दिया है, ये जनतंत्र खत्म करने की बात है। अब देखिए स्टेट लिस्ट में कहाँ है एकाधिकार, यूनियन मिस्ट में कहाँ है। इन्होंने शिक्षा भी अपने हाथ में ली है एकाधिकार, क्योंकि वो कंपनियों से बड़े बड़े लाख लाख रुपए के फीस वाले स्कूल चलाना चाहते हैं। ऑनलाइन का मतलब वही है, हम ऑफलाइन होए तो ही हम सही लाइन पर चल रहे हैं। जून माह से जो रुक सकता है और नहीं एमएसपी का उल्लंघन रुक सकता है, तो इसीलिए हम लोगों ने जो दो विधेयक बने हैं बहुत ही मान्यवर अधिवक्ताओं को शामिल करके, वीएम सिंह जी, योगेंद्र यादव जी, हनन मुल्ला जी, हम सब लोग जिसमें हैं, दर्शन पाल जी और सभी साथी पंजाब के भी, इन सब लोगों ने इस पर अपना दिमाग लगाया है, दिल डाला है और फिर वो मंजूर करने के लिए रखा, लेकिन उस पर एक बार चर्चा तक नहीं हुई। हिम्मत नहीं है, जनता की ताकत लाजवाब है और उनके पास जवाब नहीं है, इसीलिए वो बातचीत नहीं कर। जो संवादशील सरकार थी वो पहले की थी कांग्रेस की, भले उन्होंने भी सब कुछ एकदम किसानों के मजदूरों के पक्ष में नहीं किया, पर कम से कम संवाद होता था। ये संवाद नहीं करते और आपने संवाद करना मना कर दिया, क्योंकि अभी वो उनका भूमिका कुछ भी नहीं बदलने को वो तैयार है। मैडम जो संवाद कर, तो फिर क्या मतलब है? मैम मैम आप जितना पंजाब में संघर्ष चल रहा है, क्या बात है, बुद्धिजीवी लोग या किसानों ने ऑल इंडिया में अभी तक क्यों नहीं मूवमेंट बना सके, इसका क्या कारण है? भाई यही है कि बुद्धिजीवी और श्रमजीवियों में जो दूरी है ना, अभी जो स्थलांतरित मजदूर हजारों की संख्या में पैदल चल के गए ना 1500 किलोमीटर, हमको आखिर बॉर्डर पर उपवास करना पड़ा, तब वहाँ से महान किसान संगठनों के समन्वय को एक जोरदार जिंदाबाद। और मेरी तरफ से आपको लाल हरा सलाम, लाल हरा कहती हूँ क्योंकि हमारी सोच जितनी खून पसीने की है उतनी जल जंगल जमीन की भी है, और इन दोनों को बचाने के लिए आपके संघर्ष को मैं सलाम करने के लिए ही आई। मेरे बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं तो प्रतिनिधित्व कर रही हूँ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय का। सबको सुनाई दे रहे हैं ना? माइक के बिना भी मेरी आवाज सुनाई दे सकती है। और वैसे भी अभी बिजली बिल का खेल ऐसा है कि माइक के बिना ही आवाज उठाना जरूरी है। तो आज आपको सलाम करने के लिए आपने चुनौती दी और पंजाब में तो झुका ही दिया, हरियाणा में झुकाने वाले हैं। यही होना चाहिए किसान राज का मकसद, क्योंकि आखिर दलीय राजनीति से आजकल कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। जसबीर बहन जी और ये महिला शक्ति जो है, युवा शक्ति जो आपके साथ है, उन सब के ही आधार पर जनतंत्र बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। अपन तो चाहते रहे हैं कि मेहनत कशों का तंत्र इस देश में हो, नहीं तो जन जन का मतलब क्या है अडानी अंबानी? लेकिन आपने ये समझ ही लिया है कि जिस प्रकार से आज जनतंत्र के एक एक स्तंभ को आप क्या बोलते हैं, उधई बोलते हैं, वाइट टेंट लग जाती है ना लकड़ी में, दीमक जैसे दीमक लग गया है। अब कौन दीमक की भूमिका निभा रहे हैं आप सब जानते हैं, नाम लेकर मैं उनको हुतात्मा नहीं बनाना चाहती। लेकिन आज देश में ऐसी परिस्थिति, और इसीलिए गांधी हो, बाबा साहेब हो, लाला लजपत राय हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, मार्क्स हो, लेनिन हो, जिन जिन्होंने श्रमिकों के साथ दी है, ऐसे तमाम श्रमिकों को आज जगाने और जगने बिना दूसरा रास्ता नहीं है। अब सब जान रहे हैं और आप एक एक मुद्दे पर उनको चुनौती दे रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी